नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल इंटीरियर वुड डिज़ाइन में। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया एक प्यारा सा बहुत ही सुंदर आपको एक शोरूम का डिज़ाइन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जो कि दो फ्लोर का ये शोरूम है और ये गोल्ड शॉप का दुकान है, शोरूम है, जो कि बहुत ही अच्छा बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन हम लोगों ने यहाँ पर किया हुआ है। तो आपको वीडियो लास्ट तक देखना है और अगर आप चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे डिज़ाइन वीडियो हमेशा देखने के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें नीचे, जो भी आपको क्वेरी है जो भी आपको पूछना है नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपको कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा है तो नीचे प्यारा सा कमेंट आप कर सकते हैं। और यहाँ पे शुरुआत करते हैं, ये वाला जो काउंटर है जैसे कि आप देख रहे हैं, ये वाला बाहर का एरिया है, जो शटर जो है वो हम लोगों ने हाफ बंद किया हुआ है, जो कि अभी काम चालू था यहाँ पर। और ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये वाला पत्थर फिनिशिंग किया हुआ है, जैसे कि ऊपर का जो टॉप है वो हम लोगों ने इटालियन जो पत्थर रहता है उसमें हम लोगों ने फिनिशिंग किया हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं, जो अभी यहाँ पे काम चालू है। और इसके टॉप के ऊपर और साइड के ऊपर साइड में भी देखेंगे तो आपको यहाँ पर पत्थर देखने को मिल जाएगा, जैसे कि ये वाला जो काउंटर बैक साइड का, जो काउंटर के बैक साइड का जो एरिया है वो यहाँ पे हम लोगों ने जो डिज़ाइन किया हुआ है देख रहे हैं आप। यहाँ पे ऊपर के साइड में आपको एक जो विनियर फिनिशिंग में ये जो वाला देख रहे हैं आप, जो डार्क आप देख रहे हैं ये वाला विनियर जो है वुडन विनियर में हम लोगों ने यहाँ पे फिनिशिंग किया हुआ है। यहाँ पे दो तीन स्पॉट लाइट आपको मिल जाएंगे, जो कि 100 पीस रखवा जो भी है आपको यहाँ पे रखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं, ये वाला जो डिज़ाइन हम लोगों ने विनियर का जो डिज़ाइन वो ऊपर के सीलिंग में भी हम लोगों ने किया हुआ, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो सीलिंग जो देख रहे हैं ये वाला डिज़ाइन आप कर सकते हैं, जैसे कि ये साइड में आपको LED देखने को मिल जाएगा, जो कैमरे वगैरह जो भी आपका लाइटिंग, तो जो शोरूम रहते हैं उसमें लाइटिंग ज़्यादा रहता है तो लाइटिंग आपको ज़्यादा से ज़्यादा लगानी है, तो आपका जो है सीलिंग का लुक काफ़ी अच्छा दिखेगा। यहाँ पे देख रहे हैं जो भी साइड में भी LED लगाया हुआ है। और ये वाला जो आप जो विनियर के ऊपर आप जो ग्लोसी देख रहे हैं, ये वाला जो है ये जो लेमिनेशन फैन रहता है, जैसे कि लेमिनेशन में जो क्लियर वाला जो लेमिनेशन रहता है, जो कि जो अंदर का है वो पूरा क्लियर आपको फिनिशिंग के साथ में दिखता है। और ये वाइट वाला है, जो वाइट वाला भी ये जैसे कि ये वाला भी लेमिनेशन है, लेमिनेशन फैन जो रहता है वो है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ऊपर के साइड में भी एक टॉप लगाया हुआ है, जैसे कि ये 1.25 इंच का टॉप है, यहाँ पे ऊपर के साइड में इटालियन का लगाया हुआ है जो कि डार्क कलर में। यहाँ पे नीचे आपको देखेंगे तो 4 ड्रॉवर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे भी आपको ये साइड में ये L शेप में जो काउंटर है, यहाँ पे आपको 2 ड्रॉवर मिल जाएंगे। यहाँ पे आपका जो है शेयर आ जाएगा, यहाँ पे नीचे के साइड में जो भी स्टोरेज आपको मिल जाएगा। और ये साइड में आप देखेंगे तो ये जो है AC के नीचे के साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे बैठने के लिए जगह जो है वो बनाया हुआ है। और पीछे के साइड में आपका ये पैनल बनाया हुआ है, जैसे कि वो शोरूम जो है डिज़ाइनिंग के लिए किया हुआ है। यहाँ पे एंट्री से अंदर आने के लिए यहाँ पे आपका डोर आ जाएगा। और ये साइड में भी देखेंगे तो ये साइड में भी काफ़ी ड्रॉवर और यहाँ पे दरवाजे जो है वो बनाए हुए हैं हम लोगों ने। ये साइड में देखेंगे तो आपका ये कांटे के लिए जगह बनाया हुआ है, जैसे कि अंदर के साइड में आपका स्विच बोर्ड मिल जाएगा। और यहाँ पे नीचे के साइड में आपको 2 ड्रॉवर और इस साइड में देखेंगे तो एक बड़ा सा ट्रे आपको मिलेगा, जो कि 6 mm में हम लोगों ने दोनों साइड में सरमाइका लगा के बनाया हुआ है। ऊपर के साइड में आपको एक ड्रॉवर मिल जाएगा और ड्रॉवर के अंदर के साइड में पूरे जो है सरमाइका में फिनिशिंग किया हुआ है, जैसे कि आप ऊपर के साइड में देखेंगे ये भी ऑफ वाइट सरमाइका में, और अंदर के साइड में भी हम लोगों ने वाइट सरमाइका में पूरा फिनिशिंग किया हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं। यहाँ पे ये वाला जो है हम लोगों ने 1.25 इंच जो धार देख रहे हैं आप, अंदर अंदर जो है पूरा हम लोगों ने ये फिनिशिंग किया हुआ है। जो और कंसील हैंडल जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे 4 इंच के कंसील हैंडल लगाए हुए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं इस वीडियो में। तो इस प्रकार से आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ये साइड में आप देखेंगे तो ये वाला जो है बड़ा सा तिजोरी के लिए हम लोगों ने ऊपर की साइड में एक पल्ला बनाया हुआ है, जैसे कि ये वाला जो है बड़ा सा पल्ला हम लोगों ने यहाँ पर हैंडल लेस बनाया हुआ है। इस प्रकार से आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने जो पेंट किया हुआ है, ये वाला जो है MDF का फिनिशिंग हम लोगों ने उसके ऊपर MDF लगा के उसके ऊपर ये वाला जो है पूरा पेंट फिनिशिंग किया हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये वाइट वाला भी जो कि काफ़ी ग्लोस आपको यहाँ पे ग्लोसी देखने को मिल जाएगा। ये साइड में आप अंदर के साइड में सेल्फ है वो फोल्डिंग रख सकते हैं, ऊपर नीचे आपको अगर करना है अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पे बैक साइड में अगर आपको हैंडल लगाना है तो कंसील लगाना चाहिए, क्योंकि आपको चेयर वगैरह आएगा तो उसमें आपको लगने का चांस नहीं रहेगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे सारे जो कंसील हैंडल लगाए हुए हैं, जैसे कि जितने भी डोर हैं सारे के सारे कंसील हैंडल लगाए हुए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कि जो बैक साइड में जो हम लोगों ने दरवाज़ा के बैक साइड में यहाँ पर जो पीछे की साइड में जो डोर है उसके जस्ट पीछे की साइड में आप देखेंगे तो एक मयार सा मंदिर का डिज़ाइन किया हुआ है, जो कि जो बॉर्डर बनाया हुआ है हम लोगों ने वो विनियर में फिनिशिंग किया हुआ है। 2x2 का मंदिर बनाया हुआ है। इस साइड में देखेंगे तो यहाँ पे मंदिर के जस्ट साइड में जो कि पीछे से जो दरवाज़ा है, जो बैक साइड से आपको अगर आना जाना रहेगा तो वो दरवाज़ा छोटा सा दरवाज़ा है उसको हम लोगों ने यहाँ पे जो कि है
ये वाला फिंगर वाला जो लॉक है वो हम लोगों ने यहाँ पे लगाया हुआ है। तो इस हिसाब से आप अगर गोल्ड का शॉप है तो आप फिंगर वाला लॉक काफ़ी अच्छा यहाँ पे लगा सकते हैं और काफ़ी चलता है। ये वाला जो है लॉक बहुत ही अच्छा लॉक है और ये आप लगा सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं लगाना बहुत ही ईजी है। जैसे कि आप जब मोटिस जो लॉक रहता है वो लगाने का जो प्रोसेस रहता है वो उस हिसाब से आप लगा सकते हैं, काफ़ी ईजी आप लगा सकते हैं इसको। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ ऊपर जाने का ये रास्ता, यहाँ पर आपको सीढ़ी देखने को मिल जाएगा, जो कि ये वाला भी पत्थर में फिनिशिंग किया हुआ है पूरा। आप देख रहे हैं जो इटालियन पत्थर रहता है उसमें ये पूरा जो जीना है वो फिनिशिंग किया हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और उसके नीचे आप देखेंगे जैसे कि यहाँ पे लाइटिंग लगाया हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे खाँचा रखा हुआ था और ये प्रोफाइल जो लाइट रहता है वो हम लोगों ने यहाँ पर लगाया हुआ है। और इस हिसाब से आप उसको जीने को काफ़ी अच्छा, काफ़ी सुंदर और बहुत ही बढ़िया आप जीना बना सकते हैं। जैसे कि बहुत ही अच्छा देखने को यहाँ पे लुक मिल जाएगा, जो कि पत्थर बहुत ही अच्छा साइन दे रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और ऊपर के साइड में देखेंगे तो जीने के जस्ट ऊपर के साइड में एक सीलिंग का डिज़ाइन बनाया हुआ है, जैसे कि कोकोत, बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगा। जब ऊपर के साइड में आएंगे तो सामने आप देखेंगे तो यहाँ पर एक प्यारा सा सोफे का डिज़ाइन किया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर आप ऑफिस के जस्ट बाहर के साइड में जो एरिया है वहाँ पर ये सोफ़े का डिज़ाइन, जैसे कि सोफ़ा ये रेडीमेड सोफ़ा लाया हुआ है और ये यहाँ पे रखा हुआ है हम लोगों ने, तो यहाँ पे देख सकते हैं। और इस सोफ़े के जस्ट साइड में देखेंगे तो एक प्यारा सा मंदिर का डिज़ाइन, जैसे कि आपने नीचे जो देखा था वो नीचे के फ्लोर में मंदिर बनाया हुआ था, और ऊपर के साइड में एक और मंदिर हम लोगों ने यहाँ पर प्यारा सा मंदिर का डिज़ाइन किया हुआ, जैसे कि जो जीने से जस्ट आने के बाद में यहाँ साइड में डिज़ाइनिंग किया हुआ है। ये तो पूरा यहाँ पे जो भी काम हुआ है वो लेमिनेशन में फिनिशिंग हुआ है, जैसे कि यहाँ पे लेमिनेट जो सरमाइका रहता है वो यहाँ पे खाली ड्रॉवर को जो अंदर के साइड में भागे वहाँ पे भी यूज़ किया हुआ है, बाकी सब लेमिनेशन फिनिशिंग किया हुआ है ऐसा। जैसे कि यहाँ पे भी प्रोफाइल लाइट लगाया हुआ है, जो कि ये वाला देख रहे हैं आप, जो ये प्रोफाइल लाइट, ये 19 mm का प्रोफाइल लाइट ये लगाया हुआ है यहाँ पे, और इसके बैक साइड में भी लगाया हुआ है। जैसे कि आपको बंद करके मैं दिखाता हूँ जो बैक साइड का जो लाइट है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो इसके अंदर भी हम लोगों ने LED लाइट लगाया हुआ है। तो काफ़ी सुंदर, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन आप इस हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पर साइड में देखेंगे तो आपको एक स्टेट जो भी है आपका टेबल मिल जाएगा, जो कि 2 ड्रॉवर में हम लोगों ने यहाँ पे किया हुआ है, और यहाँ पे भी शेयर आपको बैठ के काम कर सकते हैं। यहाँ पे जो ऑफिस का जो दरवाज़ा है, हम लोगों ने ऊपर के जो ऑफिस है उसमें हम लोगों ने ग्लास का डोर लिया हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये वाला टफन ग्लास 12 mm का ग्लास है। और जस्ट सामने देखेंगे तो यहाँ पे एक प्यारा सा पैनल बनाया हुआ है, जैसे कि जो आपका काउंटर है उसके ऊपर से हम लोगों ने ये पूरा कंटिन्यू किया हुआ है सीलिंग में। तो ये सीलिंग जो देख रहे हैं ये वाला सीलिंग भी हम लोगों ने प्लाई में किया हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और ये वाला पूरा विनियर में हम लोगों ने फिनिशिंग किया हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और यहाँ पे आपका ग्लास का फिटिंग मिल जाएगा, जो कि टफन ग्लास में हम लोगों ने किया हुआ है पूरा यहाँ पे पार्टीशन। और इसके जस्ट बैक साइड में देखेंगे तो ये झूमर लगाया हुआ है, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में आपको देखा था जो झूमर लगाया हुआ था वो यहाँ से पूरा स्पेस जो भी है दोनों फ्लोर के ऊपर स्पेस में लगाया हुआ है। अंदर के साइड में आप देखेंगे तो जो नीचे हम लोगों ने बताया था ऐसे ही ड्रॉवर यहाँ पे भी हम लोगों ने यहाँ पे लगाया, अंदर के साइड में सरमाइके में फिनिशिंग किया हुआ, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो अंदर के साइड में भी आपको सरमाइका मिल जाएगा और बाहर के साइड में आपको ऑफ वाइट सरमाइका मिल जाएगा। यहाँ पे सारा ऑफरेट आ गया, जैसे कि आप देख रहे हैं कैमरे वगैरह का जो भी है, यहाँ पे नीचे ऑफरेट के लिए जगह रखा हुआ है जो 2 शेल्फ में। और नीचे के साइड में देखेंगे तो 4 ड्रॉवर, ड्रॉवर को देखेंगे तो सारे जो अंदर के ड्रॉवर हम लोगों ने बनाए हुए हैं वो सारे कंसील हैंडल में किए हुए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। और नीचे के साइड में आपको 3 इंच का स्केटिंग मिल जाएगा, ये जो काउंटर बनाया हुआ उसके साइड में यहाँ पे भी कांटे के लिए जगह रखा हुआ है। और नीचे के साइड में आपको ट्रे मिल जाएगा एक, और नीचे के साइड में 2 ड्रॉवर मिल जाएंगे। तो इस हिसाब से आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। साइड में देखेंगे तो साइड में 2 पल्ले आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, और ऊपर के साइड में एक आपको एक प्यारा ड्रॉवर मिल जाएगा, जो कि 4 इंच का ड्रॉवर यहाँ पर दिया हुआ है। नीचे के साइड में एक सेल्फ मिल जाएगा आपको, जो कि फोल्डेबल सेल्फ है, अगर आपको चाहिए तो आप रख सकते हैं, नहीं तो निकाल के आप साइड में रख सकते हैं अगर आपका सामान बड़ा है तो। और यहाँ पे भी देखेंगे तो जो काउंटर हम लोगों ने डिज़ाइन किया हुआ है ऊपर के साइड में, ये वाला भी फिनिशिंग किया हुआ है पूरा पत्थर में, जैसे कि देख रहे हैं। तो काफ़ी सुंदर, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन किया हुआ है, जैसे कि पत्थर के ऊपर के साइड में आप देखेंगे तो पूरा पत्थर में जो भी ग्लोसी दिख रहा है, जैसे कि आप लाइटिंग वगैरह जो भी दिख रहा है, तो फिनिशिंग ये वाला है पूरा पॉलिश होने के बाद में फिनिशिंग किया हुआ है। यहाँ पर भी ये मोल्डिंग किया हुआ है, जैसे कि मोल्डिंग करने के बाद में ये अंदर के साइड में क्रॉस किया हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हो। तो ऐसा डिज़ाइनिंग कर सकते हैं आप। और ये साइड में आप देखेंगे 2 इंच का जगह छोड़ा हुआ है हम लोगों ने, तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन किया हुआ है काफ़ी। और नीचे के साइड में आपको एक स्केटिंग मिल जाएगा,
बाकी कोई डिज़ाइन नहीं है, सिंपल सा डिज़ाइन यहाँ पे किया हुआ है, जैसे कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ये पूरा विनियर में फिनिशिंग करने के बाद में ऊपर का सीलिंग का डिज़ाइन भी हम लोगों ने इसके साथ में कंटिन्यू किया हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये वाला। और यहाँ पे देखेंगे तो कैमरा भी लगाया हुआ है, जैसे कि देख रहे हैं लाइटिंग वगैरह जो भी है, तो लाइटिंग के साइड में अगर आपको ये एसी लगाना तो यहाँ पे एसी, और ये यहाँ पे पैनल जो बनाया हुआ है ग्लास के साइड में ये वाला है टीवी, टीवी के लिए यहाँ पे पैनल हम लोगों लगाया हुआ है, टीवी का जो फ्यूजन है यहाँ पे किया हुआ है। तो सीलिंग का भी डिज़ाइन काफ़ी सुंदर और काफ़ी प्यारा सा डिज़ाइन है, आप इस हिसाब से कर सकते हैं। ये साइड में आपका एक टफन ग्लास आ गया, और ये जो है जो बाहर का एरिया था वो हम लोगों ने झूमर में जो है पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक यहाँ पे बड़ा सा प्यारा सा झूमर लगाया हुआ, जैसे कि आपको स्टार्टिंग वीडियो में दिखाया था मैंने। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और नीचे एक प्यारा सा कमेंट करें आपको वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड फैमिली के साथ में इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हुए इस पहले वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं और अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।